सोनागिर जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में विश्व इतिहास की प्रथम अद्वितीय कृति एवं विश्व का सबसे विशाल जैन मंदिर सोनागिर जी श्री 24 समवशरण पूजा भक्ति तीर्थ, जहां जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु भगवान का 17 बार आया समवशरण और दिया मनुष्यों को अहिंसा एवं जीव दयालुता का परम संदेश। ऐसे पवित्र स्थान पर विश्व में प्रथम बार श्रद्धालुओं को मिल रहा है पुण्यार्जन करने का परम सौभाग्य। परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधिस्थ आचार्य श्री विद्याभूषण सरमति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं जिन धर्म गौरव कंठ कोकिला परम विदुषी पूजनीय क्षुल्लिका 105 पूजा भूषण माता जी एवं भक्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में प्रतिदिन श्रद्धालु कर रहे हैं श्री चंद्र प्रभु भगवान की अति मनमोहक प्रतिमा का अभिषेक एवं शांति धारा। इस अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर असहाय एवं गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु स्कूल एवं असहाय वृद्धों हेतु आश्रम की व्यवस्था की जा रही है। इस पुण्य तीर्थ पर पधारने वाले श्रद्धालु भक्त एवं साधु संतों के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। आप भी अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र पर पधारकर अभिषेक एवं शांति धारा में सम्मिलित होकर अपने पुण्यों का उदय अवश्य करें। आप भी इस पुण्यशाली अवसर पर लाभ अवश्य उठाएं। शांति धारा हेतु न्योछावर राशि 1 दिन 1100 रुपए, 15 दिन 5100 रुपए, 1 माह 11,000 रुपए, 1 सिंहासन 2100 रुपए, 1 अटैच कमरा 1,51,000 रुपए, 30/24 में 1/24 2,51,000 रुपए, 1 प्रतिमा 11,000 रुपए, संरक्षक 51,000 रुपए, परम संरक्षक 1,11,000 रुपए, संपर्क सूत्र 8799770070। आप भी क्षेत्र पर चल रही व्यवस्थाओं में मात्र 1100 रुपए की राशि दान करके पुण्यार्जन कर सकते हैं। द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जले नाभिसिञ्चे शीतभूपी शांति मुद्रा कानवन जल श्री करी ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा कानवन जल से करी। शांति धारा करतारा परिवार श्री अमीर स्वर्गीय अमीर चंद जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती वीणा देवी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती शकुंतला जैन, विजय जैन, रवि जैन, श्रीमती कौशल जैन, मुकुर राज जैन, गुड़गांव वालों ने आज विशेष शांति धारा और विधान का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके परिवार को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्री सुकमाल जैन, सावित्रा जैन इंद्रापुरम गाजियाबाद वाले भी शांति धारा कर रहे हैं। आइए, हो रही है श्री चंद्रप्रभु भगवान सोनागिर वाले 24 समोषण से शांति धारा। परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र वर्णनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोकमय शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्म ब्रह्मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उत्सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अस्माकम अव्ययम छिन्छिन् मृत्युम छिन्छिन् अति कामम रति कामम छिन्छिन् क्रोधम पापम वैरम छिन्छिन् विनये अग्नि वायु वयम छिन्छिन् सर्व शत्रुम सर्वोपसर्गम छिन्छिन् सर्वराज वयम सर्व चोर दुष्ट वयम छिन्छिन् छिन्छिन् शुरू में है लिखे ना शुरू में लिखे महेश पुनिष्पति में धर्मपति श्रीमती रविकांता जी स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री मुकेश जीवा निर्णय संजालिका नीत अंकित जियारा कलकत्ता वाले सरस्वती बिहार दिल्ली निवासी मंगल भवतु श्रीमती सालोनी शेट्टी के स्वास्थ्य लाभ हेतु नवजात शिशु की रक्षार्थ हेतु श्री सुरेश सुधा सेठी अरविंद विशाखा निशांत सालोनी प्रत्यक्ष सेठी शेठी परिवार डीमा पुण्यवासी मंगल भवतु श्री नरेंद्र जैन देखा जैन आकांक्षा जैन के सी स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुक अनुजद विक सिद्धार्थ गुड़गांव निवासी मंगल भवतु श्री पदम चंद्र गंगवाल राज रानी गंगवाल पंकज रेणुका नीरज अंतिमा नितिन काशी अमिता सचिन अभियान अभ्युक्त एटानगर बेंगलोर निवासी मंगल भवतु श्री प्रेमचंद सुभाष चंद लक्ष्मी गुणमाला कनकमाला मंजू पाटनी सौरभ आशीष जयचंद लाल नवरत्न देवी
मेमोरियल फाउंडेशन कलकत्ता निवासी मंगल भवतु। श्री स्वर्गीय शोना देवी की पुण्यस्मृति में श्री विनोद सेठी, दिव्य सेठी, रश्मि सेठी, आनंद नीनू, श्रीमती चांदनी, अभिषेक पाटवादी, क्या कर रहे हो, शिवांगी शावड़ा, दक्ष शावड़ा, मायरा अरहम शरण्या सेठी परिवार, धीमा पुण्यवासी मंगल बस 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 भगवत डॉक्टर हेमंत का बोलो तो बोल दो, डॉक्टर हेमंत का बोल दो सर्व श्री मक्खन लाल जी, श्री मक्खन लाल जी जैन, श्री विनोद कुमार इंद्रा देवी, हेमंत जैन डॉक्टर, श्रीमती अंजना जैन, निवांग दीक्षा, नेम कुमार सौम्य, द्वितीय निवासी मंगल भगवत। हे भव्य आत्मन, आचार्य भगवंत कहते हैं अपने तीर्थ क्षेत्रों के रक्षण के लिए, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए हमें अपने सिद्ध क्षेत्र में अतिशय क्षेत्रों पर अभिषेक शांति धारा अवश्य करानी चाहिए, ताकि वहीं से आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे, क्योंकि जितनी भावनाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी होंगी उतनी उस क्षेत्र का आशीर्वाद आपको मिलेगा। भावनाओं से बहुत बड़ा कल्याण होता है, दिल से दिल की राह होती है, और भावना भव नाशनी और भावना भव वर्धनी। तो धर्म की भव्य आत्मा भवों का नाश करने के लिए आप अपने परिवार के द्वारा आने वाले महावीर मोक्ष कल्याणक पर भी निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं, महावीर विधान कर सकते हैं, मात्र 1100 की राशि में आप महावीर विधान करें, लाडू चढ़ाएं, और जो कि 12 तारीख को चढ़ेगा आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर सूचना करें, और मात्र 1100 में प्रतिदिन की, लेकिन लाडू की विशेष अवसर पर 1100 में महावीर लाडू एवं विधान, और 11000 में एक माह की शांति धारा, 5100 में 15 दिन की शांति धारा, 11000 में प्रतिमा व मंदिर, और 1,11,000 में हाथी, 1,51,000 में अटैच रूम, 3,11,000 में डुप्लेक्स रूम, और 51,000 में शिखर का भी आप सौंदर्यीकरण करा सकते हैं। मंदिर आपकी है, संस्कृति आपकी है, इस जैन धरोहर को, जैन संस्कृति को हमें सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार हम अपने घर का सौंदर्यीकरण करते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले हमें जिन मंदिरों का सौंदर्यीकरण करना चाहिए उसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि आने वाले वहाँ पर देवों के द्वारा भी भक्ति होती है, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, संकट दूर होंगे, करे सेवता की करे देव सेवा। शीघ्र शीघ्र आप और विश्व इतिहास में जो प्रथम मंदिर निकाल 1452 गंधर्व जिनाले अतिशय अनुभवी सूरत जिनाले समय शिखर जैसे क्षेत्र पर बना है, वो भी विश्व की प्रथम अनुपम अद्वितीय कृति है, उसके भी आप समय शिखर जाएं तो अनिता पाशनाथ भगवान के मंदिर के सामने की गली तारण भवन से थोड़े से आगे गुनायतन के जहाँ मंदिर बन रहे हैं ठीक उस पिछले गेट के ठीक सामने वह मंदिर है, जाएं और उसके भी दर्शन करें, वहाँ के नाम से भी आप शांति धारा बुक करा सकती हैं, जिसका कि इस क्षेत्र पर खड़े होकर के आपके परिवार का नाम दोनों मंदिरों की शांति धारा में बोला जाएगा।